सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ओप्पो F17 यानी F17 मोबाइल में किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो, वो भी एक मिनट में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कैसे आपको जो है किसी भी ऐप को लॉक करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो प्राइवेसी के नाम से होगा और प्राइवेसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ ऐप लॉक का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐप लॉक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है, जो भी आप अपना रखना चाहो। हो सकता है आपको यहाँ पर ना दिख रहा हो, तो चलिए मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल रहा हूँ। और जैसे ही पासवर्ड पड़ जाएगा तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर सारे ऐप आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले से ही एक ऐप को लॉक किया है और आपको क्रोम को लॉक करके भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, क्रोम पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद ऐप लॉक वाले जो है इसको टिक कर देना है। और जैसे इसको इनेबल कर दोगे तो आपका ये जो है ऐप लॉक क्रोम पर लग जाएगा। तो चलिए मैं वापस चल के आपको दिखाता हूँ कि ये जो है यहाँ पर, अब आप यहाँ पर सेटिंग भी कर सकते हो। देखिए, फिंगरप्रिंट को भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो और फेस ऐप लॉक को भी लगा सकते हो, यानी कि आप अपने ऐप लॉक में फेस और फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये जो है लॉक हुआ या नहीं हुआ। तो क्रोम को सिंपली मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और जैसे ही मैं क्रोम को ओपन किया, ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है। आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो है यहाँ पर पासवर्ड और पैटर्न नहीं दिखता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो।